गुड मॉर्निंग नमस्कार प्रणाम जैन कैसे हैं भाई आप सभी उम्मीद करता हूं सारे लोग स्वस्थ हो गए मस्त हो गए जबरदस्त हो गए और जैसा आप सभी को पता है दोस्तों कि रोजाना सुबह पाँच बजे मैं आप सभी के साथ मुखाते हो जाता हूं तो उसी क्रम के तहत आज फिर घड़ी में सुबह के पाँच बज चुके हैं स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एस एस सी पर आज फिर एक और नए चैप्टर के साथ एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बोले तो दिशा एवं दूरी पहले तो देखो बहुत सारे से नाम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं लगभग 300 नाम आ चुके हैं तो स्वागत आप सभी सबीक का है सभी को राधे राधे सभी को प्रणाम सभी को जय हिंद सभी को नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग सभी का सभी का स्वागत है यार दोस्त और सबको दिल से बहुत सारा सा प्यार पहली जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जो लोग खासतौर पर वो रेगुलरिटी मेनटेन कर पा रहे हो उन सबको सैल्यूट है क्योंकि आपने जो सपना देखा है उसको पाने के लिए आपने अगर कोई चीज़ को करने की कोशिश करी है तो आप पूरी शिद्दत से उसको कर रहे हो है। कहते हैं ना कि कि तुझे पाने के मतलब वो एक शाहरुख खान का डायलॉग भी आप लोगों ने सुना होगा है ना तुझे इतनी शिद्दत से पाने की मैंने कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है तो आपको अपनी नौकरी के लिए कुछ वैसा ही करना पड़ेगा दोस्त कि इतनी शिद्दत से कोशिश कर लो कि फिर कोई और उसको हटा ना पाए वहाँ से तो वो शिद्दत दिखानी पड़ेगी है ना तो स्वागत आप सभी का है और सभी को गुड मॉर्निंग अरे एक बार फिर से सबको राधे राधे सबको जैन सबको प्रणाम आ, तो करते हैं शुरुआत कहानी की है ना क्योंकि देखो बहुत सारे से नाम आ रहे हैं दोस्त मेरा मन तो है नाम लेने का लेकिन सच में पॉसिबल नहीं आप खुद सोच सकते हो कि साढ़े चार सौ नाम आ चुके हैं और अगर मैं साढ़े चार सौ नाम लेने बैठ गया तो ये संख्या बढ़ेगी धीरे धीरे और मुझे लगता है एक घंटा सिर्फ नाम लेने में निकल जाएगा है ना तो वो नहीं करते काम पर फोकस करेंगे ताकि एक दिन ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया तुम्हारा मतलब हो सके तो पूरी दुनिया तुम्हारा नाम ले वरना भारत के हर एक राज्य में तुम्हारी एक अलग पहचान होनी चाहिए जब वो रिजल्ट आए तो हाँ उस लिस्ट में तुम्हारे नाम होने चाहिए उस लिस्ट के नाम देख के हर कोई बात करे कि हाँ यार कि ये एक विद्यार्थी इसका सिलेक्शन हुआ है एक विद्यार्थी इसका सिलेक्शन हुआ है तो उस जगह पे मतलब नाम तुम्हारा ऑटोमेटिकली हर कोई ले चाहे आज वो तुम्हें जानता है नहीं जानता है, लेकिन कल वो तुम्हें ऑटोमेटिकली जानने लग जाए उस यूनिफॉर्म की वजह से उस रुतबे की वजह से उस जॉब की वजह से है ना चलिए तो देखो यार एक चीज़ में तुमको बताऊं दोस्त कि डायरेक्शन डिस्टेंस आप सबको पता है अगर आप में से कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है पहले से थोड़ा सा भी तो उसको पता होगा ये एक ऐसा चैप्टर है जो कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ता कोई एग्जाम नहीं छोड़ता मतलब हर 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 शादी में ये बैठा हुआ मिलेगा तुमको खाना खाने के लिए ठीक है चाहे तुम जी दे, दे देना तुम एम दे, दे देना तुम दिल्ली पुलिस दे, दे देना तुम यूपी पुलिस दे देना तुम कोई और पुलिस जितने भी बचना है वो दे देना ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो तुम सी एच एस एल का एग्जाम दे देना तुम सी पी ओ का एग्जाम दे देना तुम सी जी एल का एग्जाम देना कुछ जितने भी एग्जाम होते हैं अगर मैं बात करूँ तुम बिहार एस एस सी देने जा रहे हो तुम आ, बिहार के अंदर कोई और एग्जाम देने जा रहे हो पुलिस वगैरह का देने जा रहे हो तुम उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बैंक के बैंक के फील्ड में कोई एग्जाम देने जा रहे हो मतलब ए टू जेड तुम अग्निवीर का एग्जाम देने जा रहे हो तुम एफकेट एग्जाम देने जा रहे हो कोई भी एग्जाम अगर तुम देने जा रहे हो तो ये चैप्टर हर एक एग्जाम एक के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा क्लियर है तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से जानेंगे हर एक पहलू पर बात करेंगे और डिटेल्ड में चर्चा करने वाले हैं तो अभी जो स्टार्टिंग के मिनट रहेंगे उसमें बीच फोकस करेंगे वही कॉन्सेप्ट जिसमें तुम सब पेड क्लासेस में पढ़ने के लिए जाते हो कि हाँ कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने को मिल जाए टॉपिक वाइज वो सारी चीजें देखने को मिल जाए ठीक है तो आगे क्वेश्चन वोश्चन तो कराएंगे लेकिन उससे पहले फोकस होगा वो कॉन्सेप्ट होगा जिसके तुम्हें नोट्स भी बनाने बाद में तो कर ले कॉन्सेप्ट की शुरुआत दोस्त कहानी की तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार आख, आखिर में ये डायरेक्शन और डिस्टेंस होती क्या है आखिर में ये दिशा और दूरी होती क्या है उस सब पर बात कर लेते हैं ठीक है अगर हम बात करें तो तो उन दोनों चीज़ों पर चर्चा करते हैं देखो और सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है और डिस्टेंस क्या है अगर मान लो ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है ठीक है एक गाड़ी खड़ी हुई है किसी एक बिंदु के ऊपर और ये गाड़ी यहां से ना इधर की तरफ चल दे इधर की तरफ चल दे जैसे चल दी तो ये किसी दूरी दिशा में गई बोलो या ना ये जैसे ही ये गाड़ी इस बिंदु से इस तरफ को गई तो ये किसी दिशा में गई साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसने यहां से यहां तक चलने में कोई तो दूरी तब तव... ये जो डिस्टेंस कवर करी ये जो मार्ग तय करा यही तो दूरी कहलाएगी बोलो या ना ये बी मान लो कुछ भी मान लो यही तो डिस्टेंस है बोलो या ना ये जो यहां तक इसने कवर करी है ये जो गाड़ी चल के यहां से यहां तक पहुंची ये क्या कहलाएगी आपकी अगर हम बात करें तो क्या कहला रही है आपकी दूरी कहला रही समझ पा रहे हो ना फिर से देखो कि कुछ नहीं हुआ एक गाड़ी खड़ी है अगर इधर की तरफ जा रही है तो ये किसी ना किसी दिशा में जा रही है साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दिशा में जाने के साथ साथ कोई ना कोई दूरी भी तय कर रही है समझ पा रहे हो मेरी बात को है ना कोई ना कोई दूरी भी तय कर रही है अगर ये यहां आ रही है तो हाँ एक दिशा में आई है साथ में कोई ना कोई दूरी तय करके आई है तो यही होती है डायरेक्शन और डिस्टेंस अब कोई ऐसा नहीं हो सकता जो हमारे बीच में बैठा हो और हम मुझसे ये कह दे कि सर आज तक तो मैंने कोई डायरेक्शन तय नहीं करी आज तक तो मैं कोई डायरेक्शन में चला ही नहीं आज तक तो मैंने अगर बात करूं तो कोई दूरी तय नहीं करी कोई ऐसा नहीं होगा ना सब ऐसे होंगे जिसने कोई ना कोई डायरेक्शन तय कर रखी होगी सब ऐसे होंगे जिसने कोई ना कोई दूरी तय कर रखी होगी मानते हो कि नहीं मानते जल्दी बताओ है ना हर किसी ने कोई ना कोई डायरेक्शन पे चला है हर कोई रोज सुबह उठ के हम किसी ना किसी दिशा में जाते हैं रोज सुबह उठ के हम कोई ना कोई दूरी तय करते हैं वही डायरेक्शन वही डिस्टेंस को जब प्रश्न जब एक लैंग्वेज के रूप में देखने को मिलेगा जब एक भाषा के रूप में देखने को मिलेगा तो क्या तुम उसके आंसर्स निकाल पाओगे उस पर बात करने वाले हैं आज हम लोग वैसे तो तुमने अपने गांव वगैरह में देखा होगा जैसे मैं भी अपने बात करूं तो जो घर परिवार में लोग हैं खासतौर तो पर जो बुजुर्ग लोग हैं तो उनको बता दो कि हम यहां से वहां गए वहां से वहां गए वहां से हम उधर गए तो वो तुम्हें बता देंगे अच्छा कौन सी दिशा में गए थे वो घर में बैठे बैठे बता देंगे अच्छे तुम उधर गए थे अच्छा उत्तर की तरफ गए थे वो तो उधर है वो पूरब की तरफ है अच्छा पूरब में गए अच्छा पश्चिम में गए वो बता देंगे क्यों वो क्या डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ के आए या ना वो लॉजिकली स्ट्रांग है लॉजिकली स्ट्रांग है हमसे ज्यादा तो वही सारी चीजें हमको सीखनी है हमको इसको ऐसे नहीं सीखना कि एक चैप्टर पढ़ रहा हूं क्वेश्चन करूंगा सिर्फ क्वेश्चन करने के हिसाब से नहीं डायरेक्शन डिस्टेंस सीखेंगे तो ऐसे सीखेंगे कि जिंदगी में कभी भी डायरेक्शन डिस्टेंस कोई बात भी कर रहा हो तो हम बता दें कहां जा रहे हो और कौन सी दिशा में जा रहे हो कितनी दूरी पर जाओगे सब कुछ उसको निकाल के दे दें समझ में आ रहा है तो वो रट्टा लगाने के हिसाब से अगर किसी को पढ़ना है तो अभी चले जाओ दोस्त अगर किसी को सिर्फ वो क्वेश्चन करके सिलेबस पूरा करना है तो जा सकते हो कॉन्सेप्ट जिसको पढ़ना है डिटेल में जिसको सीखना है कि जिंदगी में फिर कभी डायरेक्शन डिस्टेंस में इतनी सी दिक्कत ना आए वो रुक सकता है इस क्लास के अंदर ठीक है चलिए तो अब बात करते हैं छोटे तो छोटे बिंदुओं में अ, मतलब चीजों को डिवाइड करके अब एक एक करके हम शुरुआत करते हैं चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज पे जो सबसे पहला पॉइंट यहां पे डिस्कशन का बनता है सबसे पहला पॉइंट हो सकता है जिसपे मैं डिस्कशन करूं वो क्या हो सकता है वो ये होगा दोस्त अगर मैं बात करूं मैं आपसे पहली जो चीज पूछ सकता हूं वो ये कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन कितनी होती है जल्दी से से बताओ आप में कितने लोगों को पता है कुल दिशाएं कितनी होती है दोस्त जल्दी जल्दी बताओ कितने लोग जानते हो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन कितनी है कुल दिशाएं कितनी होती हैं कितने लोगों को पता है आठ दस चार ठीक है जो पता है वो ठीक है नहीं पता है तो बोल दो बिंदास होकर सर नहीं जानता कोई दिक्कत नहीं मैं सिखाऊंगा क्या परेशान हो नहीं आती है तो बिंदास होकर बोलना कि साहिल सर नहीं आती सिखा देना आप मैं सिखा दूंगा परेशान मत हो बस तुम क्लियर रहो अपनी चीजों को लेकर सोलह आठ चार बीच बीच में दस के तड़के लग रहे हैं चार वाले काफी हैं और आठ वाले काफी हैं मैक्सिम एक बोल रहे हैं कि डोंट नो दैट्स गुड यार ठीक है नहीं पता तो नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है चलो बहुत चंद है तो काफी सारे से जवाब मेरे पास तक आ गए जिसमें आठ वाले सबसे ज्यादा है अब चर्चा करते हैं कि में शुरू कर रहा हूं अगर कोई लेट भी जुड़ा है तो यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं पहला पॉइंट बताने जा रहा हूं यहां से चीजों के चीजों को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना ठीक है यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं याद से ध्यान से सुनते हुए चलना होता क्या है अगर मैं बात कर रहा हूं टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं कुल दिशाओं की तो कुल दिशाएं अगर हम चर्चा में लें तो कुल दिशाएं जो होती हैं वो होती हैं दोस्त दस याद रखना कितनी होती है अगर कोई कभी भी पूछे कि भाई बताओ टोटल डायरेक्शन कितनी होगी भाई बताओ कुल दिशाएं कितनी होंगी तुरंत बोल देना दस होंगी अब ऐसा माना जाता है कि वैसे तो ऐसा माना जाता है कि रावण जो था वो दसो दिशाओं का ज्ञाता था है ना दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति माना गया रावण को ठीक है तो रावण जो था वो दसों दिशाओं का ज्ञाता था लेकिन अपन रावण नहीं है तो अपन दसों दिशाओं का ज्ञाता नहीं है ठीक है तो अपन को नॉर्मल पढ़ना है अगर आपको याद हो तो आप में से कई लोगों ने अगर वो देखा महा देखी हो महाभारत देखियो महाभारत में एक सीन होता है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान आते हैं मतलब एक मित्रता का प्रस्ताव लेके दुर्योधन के पास और वो दुर्योधन से कहते हैं कि पांडवों को तुम पाँच गाँव दे दो और वो खुश हो जाएंगे मतलब है ना वो रह लेंगे दुर्योधन क्या करता है वहाँ पर उनका मजाक सा बनाता है उनको बंदी बनाने की कोशिश करता है तब श्री कृष्ण भगवान जो होते हैं वो एकदम अपना वही वाला रूप धारण कर लेते हैं जिसमें चक्र गदा सब कुछ दिख रहे होते हैं और वो जब रूप धारण करते हैं तो वहाँ पे एक वाक्यांश आता है कि जो दशों की दशाओं दशो दिशाएं थी वो डोल जाती हैं दशों की दशो दिशाएं क्या हो जाती हैं डोल जाती हैं तो, तो, तो टोटल जो डायरेक्शन है वो दस हैं लेकिन हम जिन डायरेक्शन पे मूव करते हैं हम जिन डायरेक्शन पे बात करते हैं हम जिन डायरेक्शन की चर्चा करते हैं वो जो दिशाएं होती है वो होती है आठ अब आप कहोगे सर आठ कैसे और दस क्यों नहीं अभी सब बताऊंगा परेशान मतो ना दस की दस बताऊंगा लेकिन आठ पे चर्चा करते हैं वो भी समझाऊंगा सब समझाऊंगा एक एक करके ठीक है बस ये पहले इन चीजों को दिमाग में बैठा लेना क्योंकि हम लोग इन्हीं को लेकर डाउट में अभी तो पढ़ के क्या करेंगे समझ रहे हो ना मैं फिर कह रहा हूं कि मैं तुमको वैसे नहीं पढ़ाने वाला हूं सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर करने उसके हिसाब से पढ़ना है तो कहीं भी पढ़ लो यार अगर इसका कॉन्सेप्ट सीखना कि जीवन में कैसा भी क्वेश्चन डायरेक्शन का आ जाए मैं कर लूंगा कोई दो लोग बैठ के घर के परिवार के अंदर बात भी कर रहे होंगे कि हम यहां से वहां गए वहां से वहां गए तो मैं बता दूंगा तुम कौन सी दिशा में गए अगर वैसे पढ़ना है तो सीखना तो ये क्लास तुम्हारे तो लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब होगा क्या इसके बाद अगर हम बात करें जब टोटल डायरेक्शन आ जाती है दस हमारी जो दिशाएं होती है वो होती है आठ अब इसमें से जब हम बात करते हैं कि मेन डायरेक्शन कितनी है मुख्य दिशाएं कितनी है तो याद रखना चार मुख्य दिशाएं होती है और सब डायरेक्शन होती है चार उप दिशाएं होती है चार इन दोनों को मिलाकर आपका ये आठ दिशाएं बनती है जिन पर हम मूव करते हैं तो पहले ये बताओ इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया नंबर समझ में आ गया सबको फिर इनके नाम वगैरह पे चर्चा करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा परेशान मत होना ठीक है जल्दी से बताओ पहले इतना समझ में आ गया सबको ठीक है कि आठ दिशाएं ये होंगी जल्दी से मेरे लाल ठीक है सबसे पहले हमारे पास डायरेक्शन है आठ उसमें से मेन डायरेक्शन है चार सब डायरेक्शन होती है चार तो टोटल मिलाकर ये आठ दिशाएं बनती है यहां से दो कौन सी दिशाएं होती है चलो उनको नाम बता देता हूं अभी तुमको ताकि तुम कंफ्यूज ना रहो दो जो दिशाएं हम छोड़ते हैं जो दिशाएं हम नहीं पढ़ते हैं वो कौन कौन सी होती है एक होती है आकाश की तरफ आसमान की तरफ ऐसे करके ठीक है जस्ट बिल्कुल सीधा आसमान की तरफ एक होती है जस्ट अपोजिट पाताल की तरफ समझ में आ रहा है ये दो दिशाएं होती है जिनको हम काउंट नहीं करते एक आकाश की तरफ आसमान की तरफ एक पाताल की तरफ ठीक है तो ये दो दिशाओं को छोड़ दिया जाता है मगर देखो अगर तुमको याद हो तो ऐसा कहा मतलब ऐसा उल्लेख है कि रावण जो था वो जब दशो दिशाओं का गाता था तो वो आसमान की तरफ एक सीढ़ी बना रहा था जो सीढ़ी शायद स्वर्ग को जाती है ऐसा कहा जाता है अब देखो वो तो अलग की चीज़ें होंगी लेकिन अपन उस टाइम में नहीं थे तो अपन को ज्यादा नहीं पता ठीक है चलते हैं आगे तो आगे क्या होगा कहानी को इसके बाद हम बात करते हैं इनके नाम पर कि क्या क्या नाम होते हैं तो एक हमारी जो मेन डायरेक्शन है उनके क्या नाम होंगे एक जो सब डायरेक्शन है उनके क्या नाम है कितने लोगों को पता जल्दी बताओ हमको जल्दी से भी कितने ऐसे ला, ऐसे लोग हैं जो आसमान की तरफ और पाताल की तरफ मतलब अगर हम बात करें करिए मुख्य दिशाएं और उपदिशाओं के नाम जानते हैं जल्दी से बताइए दो भी दोस्त कितने होने वाले में जल्दी 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 जल्दी, जल्दी मेरे लाल बहुत शानदार गजब ग्रेट पूजा और किसको पता है नाम बताओ भाई जल्दी से क्या क्या होंगे नहीं पता कोई बात नहीं चलिए तो काफी सारे से जवाब आ रहे हैं कुछ लोगों के अब समझ लेते हैं अगर हम बात करें कि मेन डायरेक्शन कौन कौन सी है सर मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होंगी तो मैं मुख्य दिशाएं बताईता तो हूँ पहले तुमको ये मुख्य दिशाएं होती है जो मेरे पीछे आप देख पा लोगे नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में बोलते हैं उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पर सुन लो अपनी जनरल लाइफ के लिए सामान्य जिंदगी के लिए पेपर के हिसाब से नहीं हर चीज़ पड़ी जाती कुछ चीज़ें अपने अपने आप के लिए भी पड़ी जाती हैं ताकि कॉन्फिडेंस अप रहे जितने भी लोग तुम में से ऐसे हो जिनको ऐसा लगता है कि हमको सर सिर्फ इंग्लिश में याद है ये सामान्य शब्द हैं ये तुमको हिंदी में भी पता होने चाहिए उसके रीज़न है कई सारे से मान लो तुमको नॉर्थ पता है ईस्ट पता है साउथ पता है वेस्ट पता है तो तुमको उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम भी पता होने चाहिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि चार नाम याद नहीं कर सकते उसका रीज़न है दोस्त कल को यार तुम अपने घर परिवार के अंदर बैठे हो और मान लो तुम्हारे घर पर गाँव बस्ती में कोई भी बुजुर्ग हैं उन्होंने तुमसे कह दिया कि उत्तर की तरफ जाना है या कुछ जाना है तो तुम उनसे ये नहीं कह पाओगे कि क्या उत्तर हैं और तुम कहोगे कि अंग्रेजी में बताओ तो उनको ये लगेगा यार कि पढ़ा लिखा बच्चा है और इसको इतना नहीं पता कि इस इंग्लिश की हिंदी क्या होगी खुद सोच के देखो तो एक वो गैप आ जाता है तो वो चीज़ हमें नहीं शो करनी है ठीक है तो एक सामान्य शब्द है आपको हिंदी में पता होना चाहिए और जितने भी हिंदी वाले हो उनको इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए उसका भी एक रीज़न है क्योंकि आज के टाइम पे ज़रा जरा से बच्चे भी इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं ठीक है तो घर का कल को कोई भतीजा हो कोई हो तुम्हारा और वो तुमसे कह देगा कि नॉर्थ तो अब तुम उससे नहीं कह पाओगे कि नॉर्थ क्या होता है हिंदी में बताओ समझ रहे हो तो इंग्लिश में भी तुमको पता होनी चाहिए तो ये सामान्य शब्द है जो तुमको दोनों भाषा में आने चाहिए ठीक अब अगर हम बात करें इनके हिसाब से जो शब्द बनता है वो क्या बनता है वो बनता है आपका कि सब डायरेक्शंस क्या होंगे उप दिशाएं क्या होने वाली हैं तो हम सब डायरेक्शन पे बात करते हैं सब डायरेक्शन आते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम कैसे बनती है उसको समझो उत्तर और पूर्व के मिलने से दिशा बनती है उत्तर पूर्व फिर दक्षिण और पूर्व के मिलने से दिशा बनती है दक्षिण पूर्व फिर दक्षिण और पश्चिम के मिलने से दिशा बनती है दक्षिण पश्चिम और फिर उत्तर और पश्चिम के मिलने से दिशा बनती है उत्तर पश्चिम समझ में आ रहा है देख लो पहली दिशा उत्तर पूर्व उत्तर और पूर्व के मिलने से बनी फिर दक्षिण पूर्व दक्षिण और पूर्व के मिलने से बनी फिर दक्षिण पश्चिम दक्षिण और पश्चिम के मिलने से बनी फिर उत्तर पश्चिम उत्तर और पश्चिम के मिलने से बनी तो ये कुल मिलाकर आपकी आठ दिशाएं होती है आठों के नाम याद रहेंगे जल्दी बताओ मेरे को पहले फिर मैं बताता हूं कौन सी दिशा किस तरफ होती है जल्दी से भाई पलटन फिर आज तुमको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जीवन के अंदर कभी वो डायग्राम बाइग्राम का चक्कर पालोगे ही नहीं सच बता रहा हूं ऐसी ट्रिक समझा दूंगा ऐसी ट्रिक बता दूंगा प्रश्नों को करने की जो शायद पुराने स्टूडेंट होंगे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको पता होगी तो ऐसी ट्रिक समझाने जिंदगी के अंदर कभी वो डायग्राम का आ, आ, मतलब आ, बनाने की कोशिश नहीं करोगे सिर्फ देख के क्वेश्चन निकाला करोगे कर लिया देख लिया आंसर आ गया खत्म इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं ठीक है क्वेश्चंस को करने की तो क्वेश्चन करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है यार क्वेश्चन तो इजीली कर लोगे समझना बहुत जरूरी है अब चर्चा करते हैं इसके आगे आते हैं कि हमारी कौन सी दिशा किस तरफ होती है ना उस पर बात करते हैं तो सबसे पहले हम मुख्य दिशाओं पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या मुख्य मुख्य दिशाएं होने वाली है ठीक है अगर मैं बात करूं मुख्य दिशाओं की तरफ तो मुख्य दिशाओं में ये आपकी मुख्य दिशाएं होती है सबसे पहले नॉर्थ उत्तर नॉर्थ के राइट में होती है ईस्ट पूर्व फिर होती है दक्षिण साउथ में और फिर होती है वेस्ट में पश्चिम अब याद रखो उसे ऊपर उसे उत्तर उसे ऊपर उसे उत्तर उत्तर के विपरीत में कौन सी आ जाएगी दक्षिण आ जाएगी तरफ कौन सी पूर्व और बाई तरफ कौन सी आ जाएगी पश्चिम आ जाएगी जल्दी बताओ ये आठों दिशाओं के नाम पता सॉरी चारों दिशाओं के नाम पता रही कौन सी दिशा किधर होती है जल्दी से नए हो पुराने हो फर्क नहीं पड़ता मेरे लाल चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से तो नए ना को फर्क पड़ना चाहिए ना पुराने को ठीक है क्लियर हो रहा है यहां तक जल्दी बताओ मेरे लाल इस पॉइंट तक कहानी क्लियर है सबको है ना उत्तर जो होती है ऊपर की तरफ उत्तर होगी दाई तरफ पूरब होगी नीचे दक्षिण होगी और बाई तरफ आपकी पश्चिम होगी ये होते हैं हमारी मेन कौन सी चार दिशाएं अगर कोई कहेगा उत्तर चलना है तो भैया ऊपर चल देंगे कोई कहेगा पूरब चलना है तो भैया इधर चल देंगे कोई कहेगा दक्षिण चलना है तो इधर चल देंगे कोई कहेगा पश्चिम चलना है तो इधर चल देंगे अब होता क्या है अगर हम बात करें तो इसको कैसे हम दिमाग में मतलब इसमें एक एंगल वाला सीन आता है कि एंगल्स भी होते हैं हर एक दिशा के बीच में तुमको एक चीज तो पता होगी कि एक जो चक्कर होता है एक जो साइकिल होती है वो तीन डिग्री होती है याद है ना एक जो साइकिल होती है वो कितने डिग्री की होती है

कुल जो दिशाएं होती हैं वो आपकी मतलब टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है अब 360 के कोण को अगर हम चार भागों में विभाजित कर दें तो ऑटोमेटिकली नब्बे 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 के कोण बनेंगे है ना तो ऑटोमेटिकली क्या बन गए नब्बे नब्बे के कोण बन गए अब होता क्या है जब ये नब्ब, नब्बे नब्बे के कोण बन जाते हैं चार दिशाओं के बीच में अब इसी इन्हीं चार दिशाओं से बनती है सब डायरेक्शन उप दिशाएं अब सोचो ना कोई इस तरफ जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है यह भी तो कोई ना कोई दिशा है यह भी तो कोई ना कोई दिशा है कोई ना कोई तो दिशा का नाम होगा ना सेम अगर कोई ऐसे जा रहा है इन दिशाओं में जा रहा है ये भी तो कोई ना कोई दिशा का नाम है ना तो हम इसको दक्षिण कह सकते हैं ना तो हम इसको पूर्व कह सकते हैं तो इसको क्या कहें इसको क्या कहें इसको ना तो उत्तर कह सकते हैं ना तो इसको पूर्व कह सकते हैं क्या कहेंगे इसको तो ये कौन सी डायरेक्शन है ये कौन सी दिशा है इस पर बात करते हैं तो अगर समझोगे तो होता क्या है कि जब इन मेन डायरेक्शन को इन दिशाओं को फिर क्या करते हैं और चार हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है तो हमारे पास ये कुल मिलाकर दिशाएं बनती है आठ अब समझो कैसे हुआ क्या ये नब्बे डिग्री वाले कोण को हमने पैतालीस पैंतालीस के पार्ट में तोड़ लिया अब जो ये कोण दिख रहा है ना तुमको ये वाला ये ये अब कितने का रह गया नब्बे का था टोटल नब्बे का आधा हिस्सा ऊपर पैंतालीस और आधा हिस्सा नीचे पैंतालीस समझ में आ रहा है ये नब्बे डिग्री के कोण को हमने पैतालीस पैंतालीस 45, 45 के हिस्सों में तोड़ दिया दोस्त क्लियर हो रहा है पॉइंट जल्दी से बताओ हाँ या ना तो जब आठ दिशाओं में विभाजित कर देंगे तो कितनी कितने का कोण बनता है दिशाओं के बीच में पैंतालीस डिग्री का कोण बनता है जब इन्हीं चार दिशाओं को आठ दिशाओं में विभाजित कर देते हैं तो दिशाओं के बीच में जो कोण आता है वो पैंतालीस डिग्री का आता है कुल मिलाकर होता क्या है कि इसी पैंतालीस डिग्री के कोण के साथ में अगर आप देखोगे ये जो नॉर्थ दिख रहा है उत्तर दिख रहा है और ये जो ईस्ट दिख रहा है पूर्व दिख रहा है इन दोनों के बीच की दिशा का नाम हो जाता है नॉर्थ और ईस्ट उत्तर और पूर्व ऊपर उत्तर थी नीचे पूर्व थी इन दोनों को मिलने से बन गई उत्तर पूर्व समझ में आया तो इनको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है अगर मुझे मेन डायरेक्शन के नाम याद है चारों के उत्तर ऊपर होगी दाएं हाथ पे पूरब होगी नीचे दक्षिण होगी और इधर पश्चिम होगी तो मैं इनके नाम खुद निकाल सकता हूं मुझे पता है सर उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब होगी दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब होगी सर दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम होगी उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होगी क्लियर है पलटन सबको यहां तक जल्दी से बताओ हा या नाम आठों दिशाओं के नाम कौन सी दिशा किस तरफ होगी ये सारी चीजें क्योंकि इन्हीं पर बेस हम क्वेश्चन करने वाले हैं और याद से इनके बाद में दिन में टाइम निकालकर नोट्स बना लेना 20 से 25 मिनट लगा करेंगे बस क्योंकि हम 25 से 30 मिनट कॉन्सेप्ट पढ़ा करेंगे उसके बाद प्रैक्टिस ठीक है अगर तुम ही लोगों ने बोला कि सर पेड क्लास की तरह पढ़ाओ है ना तुम ही लोगों ने बोला ना कि एप्लीकेशन पे जैसे क्लास चलती है वैसे पढ़ाओ फ्री में तो ये वैसे ही क्लास चल रही है तुम्हारी अब कॉन्सेप्ट पढ़ पाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है वही पढ़ पाता जिसको एग्जाम निकालने होते हैं जिनको सिर्फ क्वेश्चन करने होते हैं वो नहीं पढ़ पाता इन चीजों को ठीक है चलो अब अगर हम बात करें तो होता गया इसके बाद में है ना आ, ये आठों आठों दिशाएं हो गई अपने पास अब इन दिशाओं के आधार पर मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे करना है आ, अगर मैं बात करूं तो वो ये है दोस्त कि अगर हम चर्चा कर रहे हैं दिशाओं के नाम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट इसको हमने ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोला नॉर्थ ईस्ट क्यों बोला या इसको हमने साउथ ईस्ट क्यों नहीं बोला वो ईस्ट साउथ क्यों नहीं बोला साउथ ईस्ट क्यों बोला ये अगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कई लोग ऐसे होंगे जो शायद पुराने होंगे वो सब जानते होंगे मैं चाहता हूँ कि नए में से कोई बताए जल्दी से निकालो भाई कितना आएगा सब कमेंट में करना होता मैं एक चीज़ देख रहा हूं बहुत देर से आ, कल के कमेंट कल के होमवर्क की एक लाइन कॉपी पेस्ट चल रही है बार बार और उसकी वजह से लगभग अट्ठारह उन्नीस मिनट की क्लास एक इंसान ने छोड़ दी तो मैं शॉक डूँ कि एक लाइन के पीछे कोई इतना कॉपी पेस्ट कर सकता है कि वो आज की क्लास पढ़ने को ही तैयार नहीं है मतलब 20 मिनट का जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी तक बताया उसको कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज से हद है अलग ही अलग टाइप के लोग हैं यार चलो क्या कर सकते हैं अपन है ना क्लॉक ठीक है बहुत सारे से आंसर्स आ रहे हैं क्लॉक वाइज़ क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज़ नहीं पता सर जी ठीक है तुमको इतना भी पता है अखिलेश कि नहीं पता तो काफ़ी है मेरे लाल इतना ही काफ़ी है चलिए भाई चर्चा कर लेते कितना आएगा है, है ना समझते हैं देखो होता है क्या इस चीज़ को कहानी को समझने की कोशिश करना थोड़ा सा और पिक्चर को देखना कि होता क्या है कई लोग बोल रहे हैं क्लॉकवाइज आप समझो हमने कहा ठीक है क्लॉकवाइज नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आए तो भैया नॉर्थ पहले पड़ा इसलिए नॉर्थ ईस्ट लिख दिया बहुत अच्छी बात है जब ईस्ट से साउथ में गए तो क्लॉकवाइज तो ये है तो ईस्ट साउथ आना चाहिए था मेरे लाल फिर क्लॉकवाइज कहां चला गया अगर मैं साउथ से वेस्ट में आया ठीक है साउथ वेस्ट लिख दिया लेकिन जब मैं वेस्ट से नॉर्थ में गया तो वेस्ट नॉर्थ आना चाहिए था क्लॉकवाइज तो खत्म तो मतलब क्लॉकवाइज का तो पिक्चर में काम ही नहीं है अब क्लॉक का तो लॉजिक ही काम नहीं कर रहा अब क्या करोगे तो लॉजिक समझो होता क्या एक्चुअल लॉजिक समझ लेना किसी किताब में नहीं मिलेगा किसी किताब में नहीं मिलेगा जाके देख लेना और जल्दी से कोई पढ़ाएगा भी नहीं लोग पता है क्या कह देते कहते हैं कुछ भी लिख दो तुम देखना आधी वीडियो उसमें यह कह रखा है हाँ ईस्ट नॉर्थ भी लिख दो वो चलेगा वो ये कह देते हैं ईस्ट साउथ भी लिखोग चलेगा लेकिन नहीं चलेगा उसका रीज़न है क्यों नहीं चलेगा समझ लो अगर हम बात करें तो ना चलने का रीजन क्या होता है दोस्त आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी जितने भी लोग पोल के नाम सुने पोल अगर मैं बात करूं तो हिंदी में बोलते हैं ध्रुव कंपास वगैरह अगर देखी हो तो पोल होता क्या है कि हमारे पास दो पोल होते हैं एक होता है नॉर्थ पोल जिसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और एक होता है साउथ पोल जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव सुने हो ना और कोई पोल नहीं होता कभी पूर्वी ध्रुव मतलब उस पर नहीं आता वो दिशा में चला जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दो पोल सुने होंगे सुने कितने लोगों ने सुने इसको अगर तुम लोगों ने कभी स्कूल वगैरह में कंपास देखी होगी उसमें भी देखोगे एक कम्पास होती है उसमें सुई होती है एन एस तुम्हारे फोन में भी कंपास होगी यार तो फोन की भी कंपास में वो सुई रहती है एन और एस होता क्या है तुमको कहीं भी दिशा ज्ञात करनी है तुम वो कम्पास खोल लेना अपने फोन की जैसे ही कंपास खोलोगे वो एन और एस वाली सुई घूमने लगती है घूमने लगती है और वो अपने आप से क्या करती है ढूंढ लेती है नॉर्थ कहां पर है वो अपने आप से ढूंढ लेती है साउथ कहां पर है ढूंढ लेती है और फिर तुमको बता देगी भैया पूरब यहां होगा पश्चिम यहां होगा है ना तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं ये आपके पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तो हमेशा जब कभी भी हम किसी अननोन जगह पे खड़े हो मेरे को नहीं पता कि कहां पे पूर्व है कहां पे पश्चिम है कहां पे उत्तर है कहां पे दक्षिण है मैं क्या करूंगा मैं तुरंत उसमें अपने फोन में कंपास खोलूंगा और कंपास मेरे फोन की तुरंत मुझे बताएगी भाई नॉर्थ यहां पर है साउथ यहां पर है और फिर मैं तुरंत ढूंढ लूंगा अच्छा ईस्ट इधर होगा वेस्ट इधर होगा मैं तुरंत ढूंढ लूंगा तो हमेशा याद रखो जितनी भी डायरेक्शन फाइंड की जाती है वो पोल्स के रेस्पेक्ट में फाइंड की जाती है समझ में आ रहा है वो ध्रुव के संदर्भ में ज्ञात की जाती हैं हम लोगों ने जो नॉर्थ को नॉर्थ निकाला कि नॉर्थ कहां मिला या ईस्ट कहां मिला वो कैसे पता चल पाया वो पता चल पाया हमको किसके माध्यम से वो पता चल पाया हमको ध्रुव के माध्यम से कि नॉर्थ इधर है साउथ इधर है उस ध्रुव के माध्यम से हम पता कर पाते हैं कि पूरब कहां होगा और पश्चिम कहां होगा तो इसलिए याद रखना कि जितनी भी दिशाएं ज्ञात की जाती है वो पोल के रिस्पेक्ट में ज्ञात की जाती है पोल के संदर्भ में भी याद की जाती है इसलिए पोल को पहले लिखते हैं और दिशा को बाद में लिखते हैं याद रहेगा हाँ ना नॉर्थ को क्यों पहले लिखते हैं क्योंकि नॉर्थ एक पोल है सर उत्तर एक ध्रुव है इसलिए उत्तर को पहले लिखते हैं पूरब को बाद में लिखते हैं कोई क्या साउथ को पहले क्यों लिखते हैं साउथ एक पोल है साउथ की अगर मैं बात करूं दक्षिण एक ध्रुव है इसलिए दक्षिण को पहले लिखते हैं और वेस्ट या ईस्ट को बाद में लिखते हैं याद रहेगा पलटन जल्दी से बताओ यार मैं फिर बता रहा हूं दोस्त देखो यार ये चीज तुमको नहीं मिलेगी किताब के अंदर कोई भी पब्लिकेशन उठाकर देख लेना कोई भी ए टू जेड ठीक है कहीं नहीं मिल पाएगा इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से और मैं कह रहा हूं कि रीजनिंग पढ़ना अगर मेरे से मैं पेड़ वाले बच्चों से बोलता हूं आज तुमसे ही बोल रहा हूं यूट्यूब पर पढ़ रहा हो दिक्कत नहीं मैं वैसी वैसी मेहनत से पढ़ाऊंगा तुमको आ, मैं हमेशा यह कहता हूं कि अगर मुझसे रीजनिंग पढ़ रहा हूं, तो ऐसी रीजनिंग पढ़ लेना कि जिंदगी में कभी अगर जरूरत पड़ जाए ना तो कहीं भी खड़े होकर रीजनिंग पढ़ा पाओ समझ रहे हो अगर मेरी क्लास के अंदर रीजनिंग पढ़ रहे हो तो ऐसे रीजनिंग पढ़ लेना कि अगर जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़ जाए तो कहीं भी खड़े होकर रीजनिंग पढ़ा पाओ ठीक चलो एक बार मैं दोबारा बताए तो वैसे तो इसमें कुछ बताने लायक था नहीं लेकिन चलो एक दो लोग बोल रहे हैं फिर से बताए तो दो टाइप के पोल होते हैं अगर मैग्नेट मैगनेट होगी चुंबक जिसको बोलते हैं उसमें भी होते हैं एन और एस कभी भी एन एन मिलते नहीं है एन और एस मिलते हैं एन है, और एस मिलते हैं पोल हमेशा मिलते हैं बाकी नहीं मिलते तो दो पोल होते हैं हमारे पास एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव बस तो हमेशा जो दिशाएं ज्ञात की जाती है वो ध्रुवों के संदर्भ में ज्ञात की जाती है इसलिए ध्रुव को पहले लिखते हैं दिशा को बाद में लिखते हैं नॉर्थ नॉर्थ एक पोल है इसलिए नॉर्थ को पहले लिखेंगे और एक डायरेक्शन है इसलिए बाद में लिखी जाती है आई होप कि क्लियर होगा इसमें कुछ ऐसा और नहीं है बताने लगे ठीक है? चलो अगर कभी तुमने इंडिया का मैप भी देखा न, अगर इंडिया का मैप देखते हो तुम लोग तो लो है, वाली, वाली है, तो है मिड से आई थिंक एमपी के आसपास से डिवाइड होता है और नीचे जाओगे नीचे मैप में जो आती है वो कहती है साउथ की स्टेट जो इस तरफ स्टेट्स आ रही होंगी उनको कहते हैं पूर्वी स्टेट ईस्ट के पूर्व की तरफ है और ये कहलाती है वेस्ट ठीक ये आपकी चारों दिशाएं इस तरीके से डिवाइडेड होती है कभी देखना मैप को उठाकर अगर देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे तो चलो तो अब आगे बात करते हैं और थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि क्या बनने वाला है आ, समझना आप थोड़ा सा यहां तक क्लियर है चीजें अब बहुत एक दो पॉइंट रह गए फिर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमको बताने है। होता क्या दोस्त कि कई बार शब्दों से हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन के अंदर लिखकर देता है वो कभी राइट साइड वो लिखेगा राइट में नब्बे डिग्री चला गया वो प्रश्न में लिख देगा राइट साइड में नाइन्टी डिग्री टर्न ले लिया किसी ने और कई बार वो लिखेगा क्लॉक डायरेक्शन में नाइन्टी डिग्री टर्न ले लिया समझना मेरी बात को कई बार वो लिखेगा राइट साइड में 90 डिग्री टर्न लिया है कई बार वो लिखेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री टर्न लिया है तो कंफ्यूज मत होना दोनों का मतलब एक ही होता है समझ में आ रहा है इस पॉइंट के अंदर कोई भी कंफ्यूज मत होना कोई भी एकदम ऐसा समझते हैं सर हमें तुमने राइट साइड पढ़ाया था पेपर के अंदर क्लॉकवाइज आ गया अब क्या करें नहीं कंफ्यूज होना है ठीक है तो इस पॉइंट को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इसी चीज को हिंदी में पढ़ते हैं जब अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड को हिंदी में बोलते हैं ओर क्या बोलते हैं ओर तो या तो बोलेगा ओर नब्बे डिग्री गया है या वो बोल सकता है इसी बात को कि घड़ी की सुई की दिशा में नब्बे डिग्री चला गया तो इन दोनों बिंदुओं पर भी हमें क्या करना है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है समझ में आ रहा है दिशा में ठीक है चलो इसको मैं एक बार इरेज़ी करके लिख दू तो इस वर्ड्स पे कंफ्यूज तो नहीं होगे? कि सर हमें तो नब्बे डिग्री दाई ओर तो बताया था लेकिन वहां घड़ी की सुई की दिशा आ गई और इसी शब्द को एक बार इतना कंफ्यूजिंग शब्द बनाकर लिख देता है हिंदी के अंदर तो कि हिंदी वाले चकराए जाए क्या लिखता है समझो कई बार वो क्या लिख देगा प्रश्न के अंदर कहेगा दक्षिणावर्त नब्बे डिग्री चले गए अब आधे सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि दक्षिणावर्त जाएं तो कहां जाए दक्षिणावर्त 90 नब्बे डिग्री चला गया तो याद रखना घड़ी की सुई की दिशा ही दक्षिणावर्त कहलाती है याद रहेगा तो ये घड़ी ये तीनों का मतलब एक है दाई ओर हो घड़ी की सुई की दिशा हो या दक्षिणावर्त हो तीनों का मतलब एक ही है ठीक है तीनों का मतलब एक ही है याद रखना सेम चीज आती है आपकी इसमें यहां पे पे क्या होता ये बोलते है ये लेफ्ट साइड में, में, में या तो बोलेगा, लेफ्ट गया, या बोलेगा एंटी क्लॉक गया थीके? एंटी क्लॉक डायरेक्शन तो दोनों का मतलब एक है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है चाहे वो बाई और बोल दे चाहे वो बोल दे कि भाई घड़ी की सुई की विपरीत दिशा हिंदी में अगर हम बात करें तो वो लिख देगा कई बार बाई और नब्बे डिग्री चला गया क्या बोलेगा बाई ओर नब्बे डिग्री चला गया कई बार क्या बोलेगा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में समझ में आ रहे है विपरीत ये दिशा नहीं है ये विपरीत है विपरीत दिशा में और इसी को एक और शब्द से जोड़ता है जिसको बोलते हैं वामावर्त। जिसको हम क्या बोलते हैं वामावर्त ठीक है, वामा है? चलो तो इन सारे शब्दों का मतलब याद रहेगा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जल्दी से बताओ मेरे लाल जल्दी 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 है ना चलिए तो जिसने अब तक दिल से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा जिसने अभी तक की क्लास को बिल्कुल मन से पढ़ा होगा मैं एक चीज़ कह सकता हूं दोस्त कि अब चाहे तुम बैंक में जाना कहीं भी जाना तुम्हारा ये बेसिक कभी खराब नहीं जाएगा हमेशा और कई ऐसे होंगे जो बेचारे तब से एक दो बार बीच में तुम देख रहे हो बार बार लगा रहे हो क्वेश्चन लिया क्वेश्चन लिया क्वेश्चन लिया तो वो वही वाले हैं जिनको सिर्फ क्वेश्चन करने जिनको सिर्फ सिलेबस करने हैं और कुछ मतलब नहीं है उनको तो सिलेबस वालों से तो तुम समझ ही सकते हो कि क्या होगा उनका तो अपन उस पर और ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं ठीक है तो इस चीज़ को लेकर अपन डायरेक्टली हमेशा दिमाग में रखना कि हाँ कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा करना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये क्लास लाने का कोई ऐसा मतलब नहीं था मेरा कि मैं यहाँ पे तुम्हें टॉपिक वाइज क्लास ला रहा हूँ मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लिया आता अगर क्वेश्चन ही कराने होते कि तुमको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा दूंगा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का ये मतलब था कि जो बच्चा पेड नहीं ले पा रहा है जो बच्चा पैसे नहीं खर्च कर पा रहा है अगर उसको वो क्लास चाहिए उसको वो कॉन्सेप्ट सीखने हैं उसको वो नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए यही क्लास है दोस्त जो ये पैसे खर्च करके पेड करते हैं वो यही क्लासें है करते हैं इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लास ठीक है चलिए तो अगर हम बात करें आगे की तरफ इन चीजों के बाद देखो ये दो तीन पॉइंट हो गए अब अपने पास में कुछ ऐसा पॉइंट नहीं बचा है तो पहले तो मैं चाहता हूं यार एक काम तब मैं क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूंगा तुमको वो काम ये है कि जल्दी से एक बार वीडियो को सारे के सारे लाइक ठोक दो अंगूठे का प्रयोग करके गुरु दक्षिणा दे दो एक ने अंगूठा काट के गुरु दक्षिणा दी थी तुमको अंगूठे से वीडियो को लाइक करके गुरु दक्षिणा देनी है तो जल्दी से अंगूठे का प्रयोग करके गुरु दक्षिणा दे दो और फिर तुम्हारी एक और समस्या का समाधान करके मैं प्रश्न की तरफ चलता हूं जल्दी अट्ठारह लोग हैं तो कम से कम पंद्रह लाइक तो हो जाने चाहिए क्योंकि मुझे पता तीन सौ लोग तो वो होंगे देखो जो इधर उधर से आएंगे जो नहीं करेंगे बाकी पंद्रह मैं मानता हूँ कि अपनी पलटन में आगे होंगे तो अपनी पलटन में जितने लोग हैं सारे के सारे वीडियो लाइक कर लो जल्दी ठीक है चलो तो अगर हम बात करते हैं इस चीज़ का एक और समस्या रहती है तुम लोगों की और उस समस्या का और समाधान कर दूं कि सर हमको नहीं समझ में आता राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है हमको नहीं समझ में आता सर दाया किधर है बाया किधर है कई लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि सर नहीं पता चल पा रहा है दाया जाऊँ तो किधर जाऊं बायाँ जाऊं तो किधर जाऊं राइट जाऊं तो किधर जाऊं लेफ्ट जाऊं तो किधर जाऊं इसको लेकर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं तो इसको लो कोई व्यक्ति इधर चल रहा है चल इस तरफ चल रहा है मान लो कोई व्यक्ति इस तरफ चल रहा है या मान लो कोई व्यक्ति इस तरफ चल रहा है तो तुमको राइट लेफ्ट कैसे निकालना है इस चीज को समझो दाएं और बाएं के कंफ्यूजन को दूर कर दो आज अपने जब कभी भी जिस किसी व्यक्ति को तुम देखते हो और जिस किसी व्यक्ति का जिस तरफ मुंह होता है तुम अपने आप को उधर देख लिया करो कि मैं इधर ही की तरफ खड़ा हूं जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऊपर देख रहा है तो मैंने कहा भाई मैं भी ऊपर देख रहा हूं तो मेरा दाया हाथ किधर जाएगा अपनी कॉपी पे देखा करो मैंने कहा यार अपना दाया हाथ किधर जाएगा बोले इधर जाएगा गुरु तो बस दाया किधर हो गया इधर हो गया बाया किधर हो गया इधर हो गया समझ में आ रहा है मान लो कोई इधर देख रहा है पूर्व की तरफ ये तो मैं क्या करूंगा मैं खुद को पूरब की तरफ अज्यूम कर लूंगा कि मेरा मुंह अगर पूरब में होता ऐसे होता तो मेरा दाया किधर होता नीचे मेरा बाया किधर होता इधर मान लो कोई व्यक्ति नीचे जा रहा है तो मतलब ऐसे जा रहा है तो मेरा दाया किधर है ये दाया हाथ का है ये वाला इस साइड पे तो दाया ये हो गया बाया हाथ कहां होगा इस साइड पे तो बाया किधर होगा इधर होगा मान लो कोई व्यक्ति इधर जा रहा है पश्चिम जा रहा है ऐसे जा रहा है तो मैंने कहा भाई मैं भी ऐसे ही जा रहा हूं मेरा दाया कहा है ऊपर की तरफ और मेरा बाया का है नीचे की तरफ तो ये हो जाएगा जल्दी बताओ राइट और लेफ्ट जल्दी से कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है हाँ डेली क्लास चलेगी इस पर अगर आप लोग क्लास डेली करेंगे तो ठीक है सारी के सारी कॉन्सेप्ट वाइज ही क्लास पढ़ाऊंगा हर एक अभी पूरा शेड्यूल दिखा दूंगा परेशान मत हो तो जल्दी से मेरे को बताओ यहाँ तक क्लियर है और चैनल वैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमको हर एक टॉपिक के नोटिफिकेशन मिलते रहे आज डायरेक्शन पढ़ा रहा हूं कल भी डायरेक्शन का चैप्टर ही कंटिन्यू करूंगा कल पार्ट टू इसके एंगल वाले क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा बहुत शानदार लाजवाब वाली कि एंगल वाले क्वेश्चन देख के चुटकियों में कैसे सोल्व करना बिना डायग्राम वाइग्राम को ज्यादा फोकस करें और फिर तुम्हें फिगर काउंटिंग वगैरह पढ़ाने वालों इस वीक में बहुत कुछ है तुम्हारे लिए चलो अब करते हैं आगे अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ठीक है भाई तैयार हो पलटन सारे के सारे एक बार बता दो मेरे को जल्दी से सारे के सारे तैयार हो हाँ या ना बाकी एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि तुम्हारी ये जो पांच किताबें हैं रफ्तार रीजनिंग की सामान्य अध्ययन की गणित की किताब स्टैटिक जीके की किताब हिंदी की किताब इन पांचों की एक किट बन गई है जो तुमको तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी डिलीवर हो जाएगी मात्र छः सौ रुपये में अगर किसी को लेनी हो तो ले सकते हो ठीक है जिसके लिए ये रेफरल कोड लगा लेना फॉर डिस्काउंट नोट कर लेना वाई टू सेवन फोर सबको याद होगा उसमें मेरे नाम का पहला अक्षर और जोड़ देना एस एस फोर साहिल सर ई टू सेवन फोर एस इसको लगा के आप लोग ले सकते हो बाकी ये बैच भी लाइव है और इसका कॉम्बो भी आपको नौ सौ निन्यानवे रुपए में मिल रहा है इसके लिए भी आप वाई दो सौ चौहत्तर इस कोड को लगा सकते हो जब कोई बैच लेना हुआ करे तो वाई दो सौ चौहत्तर जब किताब लेनी हुआ करे तो एस जोड़ दिया करो ठीक है चलो तो ये सब कुछ कर सकते हो अब आते हैं पहले प्रश्न पे इसका आंसर निकालो भाई कितना आएगा दो जल्दी से ट्राई करो पहला प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है पहले प्रश्न की तरफ कोशिश करके देखो कितने लोग कर पाओगे बेसिक क्वेश्चन रखे मैंने शुरू के दो तो ट्राई करो जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा निकालिए वही पल्टन जल्दी से गजब मेरे शेरों अच्छा एक दो अलग ही हैं मैं अभी देख रहा था पूरी कहानी अलग चल रही उनकी कहानी अलग चल रही फिर मेरे को लगा चलो छोड़ो जब बाकी अपनी पूरी पलटन पढ़ने पर फोकस्ड है तो इन दो चार के चक्कर में तो क्या ही करना है ना चलो भाई चर्चा कर लें इस पर कितना बनेगा आंसर फोकस करें कैमरामैन फोकस करो सी ए सी ए सी सी सीमेंट क्यों भाई मेरे लाल चलिए भाई फोकस करते हैं और समझते हैं क्या होने वाला दोस्त देखो अब नजरें तुम्हारी यहां पे होनी चाहिए नजरें यहां जमा लो और समझने की कोशिश करना एक एक लाइन करके समझाऊंगा बाद में रिपीट मत लिखना अगर पहले तुमने जवाब नहीं दिया तो समझ लेना फिर बाद में तुमको रिकॉर्डिंग पे क्लास देखनी पड़ेगी दोबारा मैं एक एक लाइन करके पूछूंगा होता क्या है देखो यदि श्वेता का घर कोमल के घर के उत्तर में है मान लो कोमल के घर के उत्तर में ये कौन है ये हो गई कोमल ये हरा वाला जो बिंदु है ये कोमल का घर है मेरी बात समझना ये हरा वाला जो बिंदु है ये कोमल का घर है अब मुझे जल्दी से बताओ उत्तर कहां होगा ऊपर की तरफ होगा दाई तरफ होगा बाई तरफ होगा नीचे होगा कहां होगा हो जल्दी बताओ कितने लोगों को पता है ये हरा वाला कोमल का घर है और कह रहा है कि श्वेता का घर कोमल के घर के उत्तर में तो उत्तर किस तरफ होगा ऊपर होगा नीचे होगा दाएं होगा या बाएं होगा है ना बहुत शानदार ऊपर की तरफ होगा दैट्स ग्रेट चलो कितने लोगों को पता है बहुत बढ़िया तो श्वेता का घर कहाँ हो गया कोमल के घर के उत्तर में ऊपर की तरफ ये हो गया श्वेता का घर यहां तक क्लियर है जल्दी बताओ ये श्वेता का घर हो गया कोमल के घर के उत्तर में ऊपर की तरफ अब इसके बाद में कह कह क्या रहा रहा है है इसके बाद में रहा है। और रानी का घर कोमल के घर के पश्चिम में है रानी का जो घर है वो कोमल के के घर पश्चिम में तो कोमल के, तो के घर के पश्चिम मतलब इस तरफ किसका घर है रानी का घर है ये रानी का घर हो गया यहां तक क्लियर है पहले बताओ डायग्राम डायग्राम में कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई समस्या कोई परेशानी आंसर वांसर तो निकाल लेना आंसर में रखा है यहां तक क्लियर है पलटन जल्दी बताओ ठीक है यहां तक करने के बाद करोगे क्या सिंपल सा है डायग्राम अगर अपन ने बना लिया तो कह कहें तो रानी के घर के संदर्भ में श्वेता का घर है हमेशा याद रखो कि जिसके संदर्भ में पूछेगा जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा यहां पे इंग्लिश में लिखा है ना कि इन वॉट डायरेक्शन इज श्वेता हाउस विद रेस्पेक्ट टू रानीज हाउस तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा जिसके संदर्भ में पूछेगा उसको केंद्र बना लेंगे क्या करेंगे केंद्र बना लेंगे तो रानी के घर के संदर्भ में पूछा रानी के घर को केंद्र बना लो ये केंद्र हो गया अगर ये केंद्र हो गया तो ये पूर्व दिशा ये उत्तर दिशा ये दक्षिण दिशा ये पश्चिम दिशा और हमको बताना है श्वेता के घर की दिशा ये कौन सी दिशा जल्दी से बताओ ये कौन सी दिशा है मेरे लाल ये उत्तर हो गई अगर मैं बात करूं तो ये पूरब हो गई और इनके बीच की दिशा को उत्तर पूर्व बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे उत्तर पूर्व गुरुदेव उत्तर पूर्व बोलेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका नन ऑफ दीज बोले तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे करेक्ट आंसर कितना आएगा नॉर्थ ईस्ट तो आंसर कितना बन जाएगा आपका उत्तर पूर्व क्लियर अभी बल्टन चले आगे ठीक है तो ये पहला क्वेश्चन था अगर कोई डाउट लगे आराम से वीडियो को दोबारा देख लेना आपके पास रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल रहेगा ठीक है चलो अब देखो ये तो हमने एक बेसिक क्वेश्चन किया जहां एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की जानकारी ले, ले लेता है बहुत बेसिक सी तरीका होता है इसका ठीक है लेकिन अगर मैं बात करूं इसी चीज को लेकर जो अपन मेन चीजें जो मेन क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं वो कौन से होते हैं ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे वीडियो को दोबारा चलाना इसको तुम होमवर्क में खुद से निकालोगे ठीक है तो ये तुम्हारा होमवर्क है चाहे इसका स्क्रीनशॉटॉट ले लेना चाहे वीडियो दोबारा चला के यहाँ लगे पॉज करना पॉज करके आंसर निकाल के कमेंट में मुझे आंसर करना ठीक है चलो अब अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं होता क्या है कि आपसे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में पूछता है शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी पर है ये वाले जो प्रश्न होते हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन और डिस्टेंस तो अब इनको डिस्कस करने वाले हैं चलिए तो अब ये क्वेश्चन करो तुम कितने लोग कर पाओगे बहुत शानदार फैजान निकालो मेरे लाल तुम ही सब तो शेर हो यार करो भाई जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा दोस्त कितने लोग कर पा रहे हैं अब सूर्य ही टिकेंगे देखो यार चलिए चर्चा कर ले कितना आएगा इसको मैं तुमको अभी डायग्राम भी बताऊंगा और इसकी एक ट्रिक ऐसी बता दूंगा दोस्त की जीवन में कभी नहीं भूलोगे सच बता रहा हूं इसकी एक ऐसी ट्रिक तुमको सिखाऊंगा अभी मेरे साथ सीख लेना जितनों को नहीं आती है कि जिंदगी में कभी फिर वो डायग्राम वाइग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ठीक है तो ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं इसको करने की तुमको और ट्रिक करके मज़ा आ जाए तो फिर सेशन को लाइक वाइक ठोक लेना याद से चलो भाई तो चर्चा कर लेते हैं कितना आंसर बनेगा इस प्रश्न पे है ना काफ़ी सारे आंसर्स मुझे दिख रहे हैं मैक्सिमम जो है वो सी की तरफ जा रहे हैं थर्ड की तरफ जा रहे हैं चर्चा करते हैं पलटन कितना आ रहे हैं समझने की कोशिश करना ठीक है थोड़ा सा आप नजरे जरा जमाओ बोर्ड की तरफ और एक बार देख लो क्योंकि अभी एक दो लोग लिख रहे थे कि नहीं आया क्यों लिख रहे थे क्योंकि जब मैं समझा रहा था तो वो टाइपिंग कर रहे थे अब टाइपिस्ट को कैसे समझाऊं मैं तो अब आंसर आपका आ गया अच्छी बात है अब आप फोकस करो यहां पे समझने की कोशिश करो है क्या देखो लिखा है मनीष उत्तर की ओर 22 किलोमीटर चलता है समझना एक एक करके हर एक लाइन पे बात करेंगे मनीष जो है वो 22 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है ठीक है मान लो यहां से चल रहा है मनीष ये बिंदु है यहां से मनीष ने चलना शुरू किया उत्तर की ओर बाईस किलोमीटर तो ऊपर की तरफ चला गया बाईस किलोमीटर ठीक है एक एक लाइन करके समझा रहा हूं उसे ऊपर उसे उत्तर तो उत्तर की तरफ बाईस किलोमीटर चला गया फिर अपनी दाई और मुड़ा और चौदह चला गया अब ऐसे कोई जा रहा है इस तरफ दाई और मुड़ेगा दाया हाथी इस तरफ मुड़ेगा और कितना जाएगा चौदह किलोमीटर तो इस तरफ के चौदह किलोमीटर आ गया ये आ गया मनीष इस तरफ मुड़कर चौदह किलोमीटर ठीक है ये मनीष था जो इस तरफ के चौदह किलोमीटर आ गया यहां तक क्लियर है पलटन जल्दी बताओ या ना यहां तक की पिक्चर में कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई समस्या कोई परेशानी किसी को ये दो लाइनें समझ में आ गई पहले मनीष उत्तर की तरफ गया था 22 किलोमीटर थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स करना ताकि मैं तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन करा दूं बस इसलिए पूछ रहा हूं बाकी और कोई दिक्कत नहीं अगर जल्दी बताओगे तो मैं जल्दी समझाऊंगा फिर दाएं घूम के चौदह चला गया उसके बाद फिर से अपनी दाई और मुड़ा और बाइस चला गया अब ऐसे जा रहा है कोई बंदा ऐसे करके फिर दाई और मुड़ेगा दाएं हाथ कौन सा नीचे वाला तो नीचे की तरफ आएगा कितना बाईस तो अगर बाईस ऊपर गया था और बाइस ही नीचे आएगा मेरे लाल तो इस शुरुआती बिंदु के सामने कहीं ना कहीं आ जाएगा बोलो हाँ ना इस शुरुआती बिंदु के सामने कहीं ना कहीं आ जाएगा है ना इस शुरुआती बिंदु के सामने कहीं ना कहीं आ गया बोले हाँ गुरु जी आ गया अब इसके बाद में क्या कह रहा है इसके बाद में कह रहा है अंत में वह अपनी दाई दाई मुड़ा और किलोमीटर चला गया अब फिर नीचे आ रहा था ऐसे करके दाया हाथी अपने आप को अज्यूम किया करो अपनी कॉपी पे देखो खुद से हो जाएगा कुछ मेरे से पूछना नहीं पड़ेगा दाई और मुड़ेगा इधर जाएगा कितना बाईस किलोमीटर तो भाई चौदह और बाईस जाना है तो चौदह से तो ज्यादा ही होगा चौदह से आठ किलोमीटर ज्यादा निकल जाएगा ये टोटल बाईस मान लो यहां पर उसका एंड पॉइंट है यहां पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट था डायग्राम ऐसा आ रहा है जल्दी बताओ पहले फिजिकल ट्रिक सिखाऊंगा तुमको करने की तो डायग्राम तो बेसिक के लिए है ठीक है ये इससे नहीं करना है अपने को ये सब समझा रहा हूं ताकि जो डायग्राम से कर लेते हैं वो अलग ठीक है ये बस समझा रहा हूं अब होगा क्या इसकी अगर हमें ट्रिक पे अगर हम बात करनी कह रहे हैं प्रारंभिक स्थिति के संबंध में वो कहा जिसके संबंध में पूछेगा उसको केंद्र बनाओ प्रारंभिक स्थिति ये है इसके संदर्भ में कहा इस तरफ ये कौन सी दिशा है पश्चिम दिशा वेस्ट कितनी दूरी पर होगा सर चौदह घटा दो बाईस में से चौदह घटाओगे तो ये आठ की दूरी बचेगी कितनी दूरी बच गई आठ किलोमीटर की दूरी बच गई तो आंसर कितना आ जाएगा आठ किलोमीटर वेस्ट यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था जल्दी बताओ डायग्राम वालो आठ किलोमीटर वेस्ट ठीक है तो आई होप जो पहले से अपने साथ रेगुलर है उनमें से किसी ने भी इससे नहीं किया होगा किया है क्या ईमानदारी से बताना जितने भी रेगुलर हो पुराने टाइम से उनमें से किसी ने भी इस तरीके से नहीं किया होगा सबने एनई एसडब्ल्यू लगाई होगी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है ना अब जिस जिसको वो नहीं आती है वो मेरे साथ सॉल्व करना और मेरे को रिस्पॉन्स करना मेरे को हा या ना में जवाब दे देना तो मैं सिखा दूंगा वरना रिपीट लिखते रहोगे मैं मैं फिर सिखा नहीं पाऊंगा ठीक है तो जिस जिसको नहीं आती है वो इससे करो कैसे करना है देखो सीखो देखो और मजा आ जाए ट्रिक करके ना तो यार दोस्त वीडियो को लाइक करना बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं जिंदगी में विद इन सेकेंड आंसर आएंगे क्या करो अपनी कॉपी पर मेरे साथ नोट करो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जल्दी से एन लिखो ई लिखो एस लिखो डब्ल्यू लिखो जल्दी से लिख के मेरे को बताओ हाँ सर लिख गया जल्दी एन फॉर नॉर्थ उत्तर ई फॉर ईस्ट पूर्व एस फॉर साउथ दक्षिण और डब्ल्यू फॉर वेस्ट पश्चिम जल्दी से लिख के बताओ कि हां सर नोट कर लिया जल्दी जल्दी मैं सिखा रहा हूं तुमको ये बेसिक से करना इस ट्रिक से करना नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिख दिया हाँ या ना जल्दी मेरे लाल लिख गया जिनको नहीं आता वो जल्दी से इसको सीख लो लिख लो ताकि समझा पाऊं वरना फिर बाद में रिपीट रिपीट लिखो कोई फायदा नहीं उनका अब देखो है क्या अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे लिखा मनीष उत्तर में बाईस गया तो उत्तर में गया तो उत्तर में बाइस लिख दो कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई समस्या कोई परेशानी जहां बोलेगा वहां लिखेंगे वो कहता पूरब में गया तो पूरब में लिखते वो कहता दक्षिण में गया दक्षिण में लिखते वो कहता पश्चिम में गया तो, पश्चिम में लिखते जहां बोलेगा वहां लिख दिया कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई समस्या कोई परेशानी यहां तक जल्दी बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है पहला क्वेश्चन है बहुत आराम से ट्रिक समझा रहा हूं टाइम लेके पूरा ताकि तुमको समझ में आए ठीक है यहां तक करने के बाद क्या करोगे फिर वह अपनी दाई और मुड़ा और चौदह किलोमीटर चला चला गया गया अब ऐसे नॉर्थ पे पे था दाएं 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 हाथ की तरफ इस तरफ इस तो हो दाया। चला गया? चौधा, तो होगा कितना लिख दो दाएं पे। यहां तक क्लियर है जल्दी बताओ देखो यहां पे उत्तर में बाईस गया था उत्तर था उत्तर में बाईस गया बाइस लिख दिया फिर कह रहा है फिर दाई और मुड़ रहा है तो उत्तर पे धाड़ा था दाई और मुड़ेगा दाएं हाथ पे कौन सा पड़ रहा है ईस्ट पड़ रहा है पहले तो बस ईस्ट में कितना चला गया चौदह चला गया बात खत्म उसके बाद में क्या कह रहा है कह रहा है वह फिर से अपनी दाई ओर मुड़ा और बाईस किलोमीटर चला गया अब ईस्ट पे खड़ा था दाई ओर मुड़ेगा दाई हाथ की तरफ कितना इधर कितना जाएगा बाईस तो बाईस आ गया खत्म यहां तक बाईस आ गया ठीक है यहां तक क्लियर है जल्दी बताओ ठीक है पलटन इसके बाद क्या कह रहा है कह रहा है अंत में वह अपनी दाई ओर मुड़ा और बाइस चला गया अब यहां पे खड़ा था साउथ पे यहां से फिर दाई ओर मुड़ेगा और बाइस जाएगा तो इस तरफ आकर बाइस चला गया बात खत्म इतना हो जाएगा जल्दी बताओ हमको या ना वैल्यू हमने सारी नोट कर ली कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई समस्या कोई परेशानी किसी को इसको नोट करने में जल्दी कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई स... फिर से रिपीट कर देना पूरा अगर किसी को नहीं आया हो सबसे पहले उत्तर में गया बाईस ठीक है उत्तर में बाईस उसके बाद दाई और मुड़कर चौदह तो उत्तर पे खड़ा है दाया हाथ इधर है तो दाई तरफ चला गया चौदह उसके बाद फिर से दाई और मुड़कर कितना गया बाईस गया तो यहां पर था यहां से दाई और मुड़ा तो इधर की तरफ बाईस चला गया और अंत में फिर दाई और मुड़कर बाईस चला गया यहां पर था फिर दाई और मुड़कर बाईस चला गया हर प्रश्न के अंदर क्या करेंगे हर प्रश्न के अंदर एक काम करना है मेरे लाल बोले क्या गुरु जी नॉर्थ और साउथ का अंतर निकालोगे हर प्रश्न में ईस्ट और वेस्ट का अंतर निकालोगे अंतर मतलब समझते हो ना बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना अंतर का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना तो करेंगे क्या करेंगे मेरे लाल सिर्फ इतना नॉर्थ और साउथ का जब अंतर निकाला तो 22 से 22 कट गया ईस्ट और वेस्ट का जब अंतर निकाला 22 में से 14 घटाया 8 बचेगा बाईस में से चौदह घटाओगे आठ बचेगा कहां वेस्ट में क्यों गुरु जी ईस्ट में क्यों नहीं लिखा जो ज्यादा होगा बाईस ज्यादा है कि चौदह ज्यादा है बोले बाईस ज्यादा है बाईस ज्यादा या चौदह ज्यादा है बोले बाईस ज्यादा है बाईस किस में है वेस्ट में तो बस आठ किलोमीटर कहां बचा वेस्ट में बचा यही आंसर आ रहा था चेक करो डायग्राम से आठ किलोमीटर वेस्ट आंसर आ जाएगा बोले तो ऑप्शन नंबर सी थर्ड वाले सारे ठीक हो गए डायग्राम से भी ये आ रहा है आठ किलोमीटर वेस्ट ट्रिक से भी यही आ रहा है आठ किलोमीटर वेस्ट पहले क्वेश्चन पे पूरा टाइम लेके मैंने समझाया है अब दूसरे क्वेश्चन से ट्राई करो नहीं भी आइए कोई दिक्कत नहीं दूसरे फिर सीखेंगे लेकिन आज सीख के जाएंगे ये बस सोच लेना कि आज क्लास तब खत्म होगी जब सीख जाएंगे वरना क्लास खत्म नहीं होनी चाहिए ठीक है चलो अब जल्दी से इसको निकालो अपने हिसाब से फिर मैं समझाता हूं विद इन सेकेंड जल्दी 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 है ना यार लाइक ठोक दो यार अगर मजा आ रहा है दोस्त मैंने अपना सब कुछ तुम्हें इस क्लास में दे दिया समझ लो तुम जो मैं सोचता कि मैं पेड़ वालों को दूंगा ये करूंगा वो करूंगा मैंने सब तुमको लाकर दे दिया जो मैं वैस दे सकता था अपनी तरफ से उसके बावजूद अगर तुम्हारा साथ नहीं मिला तो फिर उस दिल टूट जाएगा कि फिर तो वही लगेगा कि यार समझ सकते हो तुम लोग ना कि जिसको पढ़ना होता है वो पेड़ में ही आता है यूट्यूब पर फिर कहानियां ही सुनाओ जल्दी से भाई तो यार लाइक वाइक ठोक तो दो हजार लाइक तो पूरे हो जाने चाहिए पलटन यार तुम्हारा साथ तो चाहिए मेरे को अभी यार देखो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि रेगुलर क्लास कर पाओ और वीडियो को लाइक कर लो जल्दी से कल तुमको ऐसी ही ट्रिक बताऊंगा गजब वाली किसकी एंगल वाले क्वेश्चंस को करने की अगर सर एंगल वाले क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे एंगल वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे चर्चा करेंगे नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट समझ में आ रहा है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम क्या करना है वैल्यू को पढ़ना है क्वेश्चन को पढ़ना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है सौरभ सौरभ दक्षिण की ओर 12 मीटर गया ठीक है भैया दक्षिण में 12 गया वह फिर अपनी बाई और मुड़कर दस चला गया अब दक्षिण पे खड़ा है बाया हाथ के इधर है इधर अपनी कॉपी पे चेक कर लिया करो कॉपी पे ऐसे लिख रहे हो ये कॉपी है मेरी मैं इस पर लिख रहा हूं मैंने फिर देखा बाई और मुड़ रहा है दक्षिण से तो दक्षिण से बाएं जाएगा इधर इधर की तरफ कितना दस तो दस लिख दिया इधर उसके बाद लेकर वह फिर से अपनी बाई और मुड़ा और बारह चला गया अब ईस्ट पे था यहां से बाई मुड़ेगा तो बाई तरफ इधर कितना चला गया बारह चला गया बात खत्म तो करूंगा क्या मैं हर प्रश्न की तरह नॉर्थ और साउथ का अंतर बारह से बारह कट गया ईस्ट और वेस्ट का अंतर वेस्ट में चला ही नहीं तो ईस्ट में बचा दस दस किलोमीटर ईस्ट आंसर आ गया दस किलोमीटर ईस्ट आंसर आ गया खत्म क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी मीटर दे रखा है किलोमीटर नहीं दे रखा चलो तो किलोमीटर हटा देना मीटर कर लेना ठीक है यूनिट इसमें दस मीटर ईस्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है चले भी आगे चलो इसको निकालो जल्दी से दैट इज फोर्थ फोर्थ हो गया ना हाँ ठीक है पांचवे को निकालो कितना आएगा ट्राई करो भी जल्दी से बटन कितना आ रहा है पांचवे प्रश्न का उत्तर गजब करके जल्दी यार ट्रिक पसंद आई है लेकिन तुम लोगों ने लाइक नहीं किया कंजूस तो तुम हो चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं देखो इसको निकालो जल्दी से है ना चलो ठीक है फिर भी पंद्रह सौ है अपनी पलटन में ये काफी है मेरे लिए है ना अच्छी बात है इसको निकालो भाई जल्दी से कितना आएगा अब देखो एक चीज मैं और करने वाला हूं तुमको सैटरडे वाली सैटरडे के सेशन के अंदर जब तुम्हारा वीकली टेस्ट होगा तब मैं तुम्हें पूरे वीक की पीडीएफ प्रोवाइड किया करूंगा ठीक है पूरे वीक की पीडीएफ आपको वो सैटरडे वाले सेशंस में मिला करेगी इसके अलावा एक और सरप्राइज पे मैं काम कर रहा हूं मैं ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि मैं इसी सैटरडे को दे दूंगा या तो इस सैटरडे को या फिर नेक्स्ट सैटरडे तक मैं आपके लिए सरप्राइज प्लान कर दूंगा ठीक है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरे साथ भी तो दैट्स वाई मैं अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा हूँ इस पर लेकिन एक और सरप्राइज मैं तुम्हारे लिए प्लान कर रहा हूँ जो शायद बिल्कुल अलग होगा जो मैं तुम्हें इस सैटरडे ना दे पाया तो शायद अगले तक दे दूँ बिल्कुल ठीक है चलो इस पर बात कर लेते हैं कितना आएगा अगर हम चर्चा करें तो यहाँ भी हम वही लगाएंगे एन ई एस और डब्ल्यू इसमें अगर मैं बात करूँ तो कितना बन रहा है क्वेश्चन सबसे पहले समझना राजीव अपने होटल से चलना शुरू करता है अट्ठारह किलोमीटर पूरब में गया तो पूरब में लिख दिया अट्ठारह उसके बाद कहाँ जा रहा है फिर दक्षिण की ओर गया चौदह तो दक्षिण में लिख दिया चौदह फिर पूरब की ओर मुड़ा और कितना चला गया पाँच तो पूरब में पाँच उसके बाद फिर वह अपने बायो और मुड़ा और चौदह चला गया पूरब में खड़ा है बाएं मुड़ेगा तो बाएं हाथ इधर है तो पूरब का उत्तर कितना चला गया? चला गया गया बात खत्म हर प्रश्न की तरह नॉर्थ और साउथ कट गया ईस्ट में बचा तेईस तो आंसर कितना आ गया तेईस किलोमीटर ईस्ट यही आ रहा है जल्दी से बताओ तेईस किलोमीटर ईस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोर्थ अच्छा बताओ जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्वेश्चन जल्दी से बल रहे हैं यार एक बार मेरे को ये कंफर्म करो जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं हो रहे हैं कितने लोगों को लग रहा है कि मज़ा आ रहा है करने में बस एकदम हवा की तरह क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है इसमें कुछ नहीं है सर लप्पू से क्वेश्चन लग रहा है झिंगूर सा लॉजिक है ना जल्दी मज़ेदार है चलो तो अभी इसको निकालो जल्दी से छठे प्रश्न को उत्तर फिर तुम्हारे लिए खास तौर पर सजा हुआ प्रश्न लेकर आते हैं जल्दी 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 करो यार अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है है ना तो आज से डायग्राम बनाना छोड़ देना इन क्वेश्चंस के लिए कहीं डायग्राम बनाते फिरो हो ठीक है कुछ नहीं रखा डायग्राम में करो फिर यार जल्दी से है ना और कल से बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को और ये जरूरी थोड़ी ना कि एस एस वाला ही पढ़े खुद समझ पा रहे हो ये सारे एग्जाम के बच्चे पढ़ सकते हैं चाहे वो बिहार एस की तैयारी कर रहे हो चाहे वो सी की कर रहे हो चाहे वो सीपीओ की कर रहे हो चाहे वो एम की कर रहे हो चाहे वो किसी एग्जाम की कर रहे हो सभी के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्त अगर पढ़ना चाहते हैं तो सारे पढ़ सकते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो दोस्तों में बता सकते हो कि साहिल सर रोज सुबह पाँच बजे क्लास पढ़ा रहे हैं पढ़ना है तो आ जाओ अगर तुमको पसंद आ रही है तो ठीक है आ गया समझ बहुत बढ़िया साक्षी चलो इस पर बात कर लेते हैं क्या करना है वही चीज नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट चारों दिशाएं लिख दी अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा जिसको नहीं आता समझ लेना रमेश अपने घर से बाईस किलोमीटर दक्षिण में गया तो मैंने दक्षिण में लिखा बाईस उसके बाद कह रहा है फिर दाएं और मुड़कर सात अब यहां पर खड़ा है दाया मुड़ेगा इधर की तरफ कितना सात सात फिर दाएं और मुड़कर बाईस अब देखो यहां पे खड़ा है वेस्ट पे दाएं मुड़ेगा आगे कुछ नहीं है आगे कुछ नहीं है तो इस कोने पे लौट के आ जाएगा समझ में आ रहा है जल्दी बताओ हा या ना अगर पश्चिम पे खड़ा है और दाएं जाने की बात कर रहा है तो आगे तो कुछ है ही नहीं जब आगे कुछ नहीं है तो लौट के इस कोने पे आ जाएगा इधर साइड वाले पे ठीक है आगे कह रहा है फिर दाएं मुड़ के छे तो यहां से फिर दाएं मुड़ा और छे चला गया कुछ ऐसा बन रहा होगा हो डायग्राम नॉर्थ और साउथ का अंतर आ जाएगा, 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 जाएगा जीरो ईस्ट और वेस्ट का अंतर आएगा साथ में छह घटाओगे एक कहा वेस्ट में तो आंसर बन गया एक किलोमीटर वेस्ट आंसर कितना आ जाएगा एक किलोमीटर ऑप्शन गड़बड़ है भाई ऑप्शन गड़बड़ है एक किलोमीटर आंसर आ रहा है वन किलोमीटर क्लियर है ना तो वन इज द राइट आंसर वन वाले सारे ठीक होंगे क्लियर अभी पलटन एक किलोमीटर आंसर आएगा वन वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे इज द राइट आंसर ऑप्शन गलत है चलो अब स्पेशल क्वेश्चन तुम सबके लिए है ना ट्राई करोगे इसको कितना आएगा कितने लोगों का बाकी यार देखो वीर वैज तुम्हारा शुरू हो चुका है फिर कराते तो स्पेशल क्वेश्चन ये वीर स्टार्ट हो चुका है जिस किसी को बिल्कुल बेसिक से अपने सारे विषयों को पढ़ना है वो वीर के अंदर आ सकते हो मेरा रेफरल कोड लगा लेना वाई टू सेवन फोर अब तो याद होगा सबको वाई दो सौ चौहत्तर तो जो जो अपनी पलटन में हो वो सबको सजेस्ट कर सकते हो अपने दोस्त अपनी दोस्तियों को जिस किसी को भी लेना हो लेकिन मैं तो हमेशा वहां पर सजेस्ट करता हूं आज भी कर रहा हूं क्योंकि इसमें तुमको तीन हजार से ऊपर टेस्ट सीरीज डिटेल सोल्यूशन के साथ मिल रही है एक किताबें और आने वाले एक साल तक जितने जी के वैच आएंगे सब मिलेंगे वीर वैच भी मिलेगा इसमें वीर से पहले वाले वर्दी भी मिलेंगे वीर के बाद वाले भी मिलेंगे सब मिलेंगे तो इसको लेना अगर किसी को लेना हो तो चलो इसको निकालो भाई सातवें क्वेश्चन को ये खास है तुम्हारे लिए जल्दी से निकालो भाई सेवंथ का आंसर कितना आएगा दोस्त ट्राई करिए भाई कोई नहीं आ रहे आराम से वीडियो को दोबारा देख लेना है ना आपके पास रिकॉर्डेड तो रहेगी कल मैंने वेंडाइग्राम का टॉपिक पढ़ा दिया था तो अगर कोई ऐसा है जिसने वेंडाइग्राम की क्लास मिस कर दी है आराम से जाके आज देख लेना प्लेलिस्ट में वेंडाइग्राम और उसके नोट्स बना लेना याद से बन जाएंगे नोट्स कल कई लोगों ने मेरे को शेयर किए थे अपने नोट्स बहुत अच्छा लगा मेरे को तो ही सारे लोग अपनी एक कॉपी बना लो एक रजिस्टर खरीद लो अपना नया और उस रजिस्टर पे रीजनिंग वाइज साहिल सर डाल के सारे टॉपिक के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो हर एक टॉपिक के ये डायरेक्शन के आज जो शुरू के 20 30 मिनट पढ़ाया था ना वो जो थ्योरी पढ़ाई थी उसके नोट्स बना लेना क्वेश्चन तो जिंदगी में कभी भी मिल जाएंगे थ्योरी नहीं मिलेगी हर बार थ्योरी कोई नहीं पढ़ाएगा हर बार तो उसके नोट्स बना लेना याद से थ्योरी के ठीक है जो तुम तुमको बोरिंग लगती होगी जो तुम छोड़ना चाहते हो वही मेन है ये क्वेश्चन तो कहीं भी मिल जाते हैं किताबों में भरे पड़े हैं थ्योरी नहीं मिलती इतनी जल्दी कि कौन सी पढ़नी है अब समझो इस क्वेश्चन में क्या करना है इस क्वेश्चन में फंसोगे कई लोग समझना अब इस क्वेश्चन को ध्यान से है क्या अब मैं समझा रहा हूं तो एक बार कोशिश करना समझने की लिखा क्या कि स्वामी पूरब की ओर सत्ताईस मीटर चलता है फिर बाई और मुड़ता है समझ लो स्वामी क्या कर रहा है पूरब की ओर सत्ताईस मीटर चल रहा है फिर बाई और मुड़ रहा है मान लो यहां पर खड़ा है स्वामी और यहां से पूरब की ओर सत्ताईस मीटर चला गया यह आ गया सत्ताईस मीटर चल के पूरब में फिर यहां से क्या कर रहा है अपनी बाई और मुड़ेगा अब देखो ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है बाई और मुड़ेगा ऊपर की तरफ ठीक है बाई और मुड़ा और कहां चला गया चार मीटर तो बाई और मुड़के चार मीटर आ गया ये ये बाई और मुड़कर चार मीटर आ गया इसके बाद में कह रहा है वह फिर अपनी बाई और मुड़ा और चौबीस चला गया अब ऐसे जा रहा था बाई और मुड़ेगा गया इधर की तरफ कितना चौबीस तो सत्ताईस से तो कमी होगा चौबीस बोलो हाँ या ना अरे चौबीस जो होगा सत्ताईस से तो कमी होगा ना मेरे लाल सत्ताईस से कमी होगा गुरु ठीक है चौबीस आ गया तो चौबीस यहाँ पे आ गया अब चौबीस के बाद में क्या दे रखा है इस क्वेश्चन को करके जाना आज सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बाद अब बस इतना ही दे रखा है तो कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से दूरी बतानी है प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा बतानी है समझना प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा तो मुझे को ये बताओ ये प्रारंभिक बिंदु है ये कौन सी दिशा हो गई जल्दी से इसका नाम बताओ अरे ऊपर वाली दिशा का नाम होता है गुरु नॉर्थ इधर वाली दिशा का नाम होता है गुरु ईस्ट तो इनके बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट होगी जल्दी बताओ उत्तर पूर्व होगी हा या ना इस दिशा का नाम क्या होगा नॉर्थ ईस्ट होगा जल्दी मेरे लाल हा या ना नॉर्थ ईस्ट हो गई डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है याद होगा ना डायरेक्शन चार्ट ही बनवाया था ये ऊपर वाली दिशा नॉर्थ होती है ये वाली दिशा ईस्ट होती है ये वाली दिशा साउथ होती है ये वाली दिशा वेस्ट होती है तो इनके बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट कहलाती है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा तो ये नॉर्थ है ये ईस्ट है इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी ठीक है ना जल्दी से कंप्लीट कर दो ठीक अब देखो होगा क्या अगर मैं बात करूं तो हमसे कह रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट दिशा दो गई दूरी निकालो ये दूरी ज्ञात करनी है तो मैंने कही मेरे लाल ये दूरी अगर ज्ञात करनी है तो हम चले जाते हैं अपनी आठवीं क्लास के अंदर आठवीं क्लास में क्या था आठवीं क्लास में दे रखा था हमको क्या बोले पाइथागोरस प्रमेय गुरु जी पढ़ी तो थी ये कर्ण होता था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ये कितना है चार प्लस आधार स्क्वायर ये कितना है बोले तीन तो चार का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर बराबर किसके हो गया कर्ण का स्क्वायर मतलब इसको मान लो एक्स तो एक्स की के स्क्वायर के, दूरी निकाल ली है तो एक्स बराबर अंडर रूट में आ जाएगा कितना सोलह प्लस नौ पच्चीस तो एक्स की वैल्यू आ गई पांच यही आ रही है एक्स की वैल्यू आ गई पांच मीटर तो पांच मीटर कहां आ गया नॉर्थ ईस्ट आंसर आ गया ये तो बहुत लेंदी सा प्रोसेस नहीं हो गया कि हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो कर रहे हैं तो अपनी क्लास का मजा नहीं आएगा अब हमें करना कैसे अगर चुटकियों में करना है इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे बोले गुरुदेव हमको आपने ट्रिक बताई थी ऐसा लगा इस पर फेल हो गई एन ई एस डब्ल्यू चार दिशाओं का नाम लिखा नॉर्थ ईस्ट साउथ में बोले हाँ स्वामी पूरब में सत्ताईस मीटर गया बोले हाँ गुरु जी पूरब में गया तो पूरब में सत्ताइस लिख दिया उसके बाद बाई और मुड़के चार गया पूरब में खड़ा है बाएं पे जाएगा बाएं पे चला गया कितना बोले चार चार लिख दिया फिर बाई और मुड़के चौबीस गया अब इसके पीछे कुछ नहीं लिखा तो इधर लौट के आ गया कितना चौबीस और उसके बाद कुछ और नहीं दे रखा तो क्या करें अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले दिया था पूरब में सत्ताईस बोले हां उसके बाद बाई और मुड़ के चार गया बोले हां फिर बाई और मुड़ के चौबीस चला गया बोले हां उसके बाद में कुछ और दे रखा है बोले देखो एक बार क्वेश्चन मुझे लगता है अधूरा दिखा है क्या इसमें न, बाई और मुड़कर चौबीस गया चौबीस गया चार गया चार गया सत्ताईस चार चौबीस हाँ ये दे रखा है तीन ही है ठीक है चलो तो अब करना क्या समझो बोले अब करेंगे क्या गुरु नॉर्थ और साउथ का अंतर निकालो साउथ में तो कुछ ही नहीं नॉर्थ में बचा चार ईस्ट और वेस्ट का अंतर निकालो सत्ताईस में चौबीस गया तीन यहां तक कर लिया सबने जल्दी बताओ पहले मेरे को यहाँ आके फंस गए हो यहां तक कर लिया होगा और यहां आके फंस गए हो कि यहां तक तो कर लिया था इसके बाद नहीं हो रहा इसके आगे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें ट्रिक में है ना ट्रिक में यहां तक तो कर लिया इसके आगे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें तो देखो हमेशा याद रखो जब दो दिशाओं में वैल्यू बचती है तो वो दोनों दिशाएं आपकी डायरेक्शन कहलाती है डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या हो गई नॉर्थ ईस्ट यही निकल के आई थी इस वाले से डायग्राम से भी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व आई थी इससे भी नॉर्थ ईस्ट निकल के आ रही है अब दूरी कैसे निकालें सर डायरेक्शन तो ठीक है दूरी कैसे निकाले दूरी नहीं समझ में आ रही कि का लिखे चार लिखे तीन लिखे जब कभी भी दो दिशाओं में दूरी बचे याद रखना जब कभी भी दो दिशाओं में दूरी बचे मेरे लाल तो काम क्या करना है पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर जोड़ के अंडर रूट लगा दो बस खत्म तो ये हो गया रूट पच्चीस जो होता है, पांच। ये आ रहा था पांच ये पांच मीटर नॉर्थ ईस्ट आंसर हो गया पांच मीटर नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई बोले तो नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं क्लियर है जल्दी बताओ जब कभी भी दो दिशाओं में जैसे अभी तक क्या हो रहा था हमारे पास एक दिशा में वैल्यू बच रही थी और जब एक दिशा में वैल्यू बच रही थी तो हम वही आंसर कर दे रहे थे एक बचा एक आंसर हो गया उससे पहले हम देख रहे थे कि यहां पर वैल्यू बचेगी तो क्या करेंगे जब दो दिशाओं में वैल्यू बचेगी तो वो दोनों तो हो जाएंगी दिशाएं साथ में पहली वाली का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर बस आंसर तो हमको यह डायग्राम बना के पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है इतनी खिचड़ी से हम बच जाएंगे क्लियर है मेरे लाल अब तुम्हें एक मेन सख्सियत से मिलवाते हैं है ना तो स्वागत है गुरुदेव आपका आपकी अपनी कक्षा के अंदर <laughs> सबसे पहले तो आपको नमस्कार प्यारे बच्चों आपको भी नमस्कार आप देख ही रहे होंगे जो सुबह आते हैं तो नमस्कार भी बड़े जोर लगा के करनी पड़ती है नमस्कार बच्चों जैसा कि आप जानते हैं बहुत शानदार क्लास चल रही है तो अभी <laughs> <laughs> जो ना <laughs> गला थोड़ा देर में पाँच छः मिनट जब बोलूँगा लगातार तभी जाके खुला गला खुलेगा बच्चों ये आपकी बहुत शानदार क्लास चलती है सुबह पाँच बजे आपकी रीजनिंग छः बजे आपका जी के जी है सात बजे आपका आ, मैथमेटिक्स होता है आठ बजे आपकी करंट होती है नौ बजे आपकी हिंदी होती है तो सारी क्लासों को कंटिन्यू किया करो अगर आपको थ्योरी पढ़नी है सुबह आओ ऑनलाइनर और पढ़ना है, तो शाम को जाओ ये दोनों क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे हम लोग तो थ्योरी पढ़ाते हैं मैं हूँ साहिल सर है या फिर आपके अक्षर सर भी टॉपिक वाइज़ पढ़ाते हैं और हिंदी वाले सर भी आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं तो अभी सर की क्लास करिएगा कंटिन्यू जैसे सर की क्लास खत्म होगी तो मैं आज एक ऐसा टॉपिक कराऊंगा जिसकी हर बच्चा कहीं ना कहीं प्लानिंग करता है कहते हैं ना प्लानिंग के बिना फेल हो जाते हो बिल्कुल तो आज हम प्लानिंग ही पढ़ने वाले हैं हम अपनी क्लास में चलते हैं बच्चों तो साहिल सर आपका भी स्वागत है और इन सर, बच्चों का भी स्वागत है आज इस क्लास के जस्ट बाद हम एक क्लास शुरू करेंगे जिस क्लास का नाम ही होगा आज प्लानिंग सही है फिर प्लानिंग करनी होगी क्योंकि बिना प्लानिंग के तो ये भी बेल हम भी बेल है हम भी प्लानिंग ना करते तो यहाँ तक ना क्लास ही नहीं हो पाती सर ये दे दीजिएगा प्लान करके बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल 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 है ना तो फिर तो, <laughs> तो दोस्तों बस ये लास्ट है अपना समझ लो क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो नहीं इसके नहीं बाद अपन बस अब चलते हैं पवन सर की क्लास के अंदर है ना तो एक बार बस होमवर्क अपना देख लो एक मैंने होमवर्क तुम्हें पहले दे दिया था एक तुम्हें होमवर्क और दे रहा हूँ अच्छा ये समझ में आया था कि नहीं आया था एक बार मेरे को इतना बताओ यार दोस्त यार वरना मज़ा नहीं आएगा मेरे को समझ में आया था कि नहीं आया था क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था हाँ या ना जल्दी से पलटन यार अगर क्लियर हुआ था तो फिर चैट सेक्शन के अंदर मेरे को एकदम से गुलाबी दिल दिख जाना चाहिए तुम सबका प्यार तो गुलाबी दिल से चैट सेक्शन भर जाना चाहिए अगर आ गया था तो है ना और नहीं आया था तो घबराना मत है ना मैं एज ए टीचर एज ए ब्रदर तुम्हारे साथ भाई की तरह दोस्त की तरह और टीचर अध्यापक की तरह जो समझो वैसे खड़ा हूँ कल फिर इसी को कंटिन्यू करूँगा यहीं से यहीं से कल आगे की तरफ लेकर चलूँगा और इस चीज को लेकर परेशान मत हुआ करो कि सर जल्दी से क्वेश्चन कराओ अरे टाइम बहुत है मैं पढ़ाऊंगा ना तुम क्या परेशान हो रहा है वैसे थोड़ा ना मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा तो जब तक नहीं सीखोगे तब तक पढ़ाऊंगा जब तक नहीं सीखोगे तब तक पढ़ाऊंगा ठीक है तो उसको लेकर परेशान बिल्कुल मत होना कि सर और नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है मैं एक काम करता हूं इसी टाइप का एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं ठीक है अपने आप से कोशिश करना और इसी क्वेश्चन से मैं कल की क्लास शुरू करूंगा समझ में आ रहा है ये होमवर्क है तुम्हारा इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे वीडियो को दोबारा चला लेना और इसका आंसर निकाल के चैट कमेंट सेक्शन के अंदर तुम लोगों को आंसर करना है होमवर्क का आंसर कहां करना होता है कमेंट में करना होता है ठीक है तो होमवर्क का आंसर कमेंट में करना है और यहीं से मैं कल की क्लास स्टार्ट करूंगा दोबारा क्लियर है बल्टन तो यहीं से कल की क्लास शुरू होगी कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कल एंगल वाले क्वेश्चन को करने की ट्रिक समझाऊंगा जिसमें तुमको डर लगता है ना कि सर कोण वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कोण वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते कैसे करने हैं कोण वाले क्वेश्चन ऐसे करोगे ऐसे सच हूं ऐसे ठीक है और ना करो तो आगे से मेरी क्लास करने मताना अगर ना मजा आए तो ठीक है तो अगर आज की क्लास पसंद आई है ये, तो वीडियो को लाइक कर लो यार जितने ज़्यादा लाइक कर सकते हो अपने आप चैनल को लाइक वाले फोन पे बटन पे लाइक वाइक मार दो हाथ मात दो हज़ार तो पूरे हो जाने चाहिए थे लेकिन नहीं किए तुमने अभी तक बाकी आ, लव यू यार सबको दिल से बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आ, ये मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए मैं अपनी पूरी एनर्जी दे, दे दूंगा मैं इसके लिए तैयार हूँ दोस्त जितना मुझसे होगा ये पीपीटी से लेकर हर एक चीज पर मैं अब अपनी जान लगा रहा हूँ जो मैं लगा सकता हूँ ठीक है खुद बैठ गई डायरेक्शन की बना रहा हूँ या फिर तुम्हारी बैंड डायग्राम की बना रहा हूँ मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ कि तुमको जिससे बेहतर से बेहतर समझा सकूँ वो दूंगा मैं ठीक है तो वो सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे पास रहेंगी इसके अलावा आ, बाकी कुछ और ऐसा अपने पास है नहीं बहुत ज़्यादा डिस्कशन का तो अभी इतना ही रखते हैं बाकी हाँ टॉपिक का अगर तुमको नहीं पता कि कौन से टॉपिक कब चल रहे हैं तो मैं तुमको बता दूं कि भाई पहले वीक का तो शेड्यूल मैं तुमको दिखाई देता हूँ ये पहले वीक का शेड्यूल है अपना वीक वन का चार तारीख को वेन डाइग्राम हो गया पाँच तारीख का डायरेक्शन डिस्ट्रशन का पार्ट वन हो गया इनके स्क्रीन तो ले रखे होंगे फोन में कल छह तारीख का डायरेक्शन का पार्ट टू होगा सात तारीख को फिगर काउंटिंग होगा आठ को फिगर काउंटिंग का पार्ट टू और नौ को वीक टेस्ट नो को वीक टेस्ट तो इस टॉपिक के हिसाब से हमारा पहला वीक चलेगा ऐसे ही हमारे सारे वीक चलेंगे दोस्त ये पहला ही वीक नहीं है सारे के सारे वीक ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ ठीक है तो सारे वीक ऐसे ही चलते रहेंगे उसके अलावा अगर किसी को भी पेड बैचेस पेड क्लासेस चाहिए तो क्या करना है सिंपली मैं तुमको बता देता हूँ चले जाओ सारे के सारे स्टोर पर मेरा रेफरल कोड याद है सबको कितनों को याद है तो अपनी पलटन में तो सबको याद होगा खैर कुछ नहीं करना तुमको क्रोम पे जाना है और क्रोम पे जाने के बाद सिंपली क्या करोगे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन सर्च करोगे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर विजिट करोगे यहाँ से ऑल कोर्स की कैटेगरी पे जाओगे जहाँ आपको जाना है सिंपली कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम पे और यहाँ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के अंदर तुमको जाना है एस एस सी पे एस एस सी पर तुमको जाना है किस पे जी पे और जी डी पे तुमको अगर वीर लेना है वीर ले लो मैं तो वहाँ पैक कह रहा हूँ वहाँ पैक लेना अगर लेना है तो खरीदना है तो वाई दो सौ चौहत्तर लगा लेना वाई दो सात चार अगर हम बात करें तो सिंपली वाई दो सात चार अप्लाई पर क्लिक कर देना नौ सौ में मिल जाएगा पूरा का पूरा एक साल के लिए जितने वैच आएंगे जी के वो सब मिलेंगे इसमें सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी सब कुछ मिलेगा ठीक है तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ कल वेंडाइग्राम पढ़ाया था आज डायरेक्शन पढ़ा रहा हूँ फिर फिगर काउंटिंग पढ़ाऊंगा इन सब की जो पी है वो तुमको प्रोवाइड करूँगा कब पता है इन सबकी पी डी मैं तुमको प्रोवाइड करने वाला वाला हूँ सटरडे को तो शनिवार को मिलेंगी पी साहिल सर रीजनिंग मिलेगा ठीक है चलो सो थैंक यू सो मच एवरी सभी को जय हिंद लव यू ऑल सबको बहुत सारा सा प्यार थैंक यू सो मच पल्टन तो आप पवन सर की क्लास में सारे लोग आ जाओ जल्दी से थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच हिंद सभी को